ना दबाओ पांव, ना दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। देश की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने वाले लोग, ये अंग्रेजों के चमचों को हमको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि हंगामा क्रिएट करना। हमारा तो ठीक है, हम लोग तो देश का भी लालू जी नीति जी ठीक कर दिए कि ये 24 से डरे हैं और बिहार से डरे हैं, लालू जी और नीतीश जी से डरे हुए हैं। महोदय कोई पहला चार्जशीट नहीं है ना, अंतिम चार्जशीट हम बता दे रहे, अंतिम भी नहीं है। तो मैं महंगाई डाइन लगती थी, अब तो महबूबा भजाई लगती है। तो महोदय सभी लोगों की बात को हम लोग सुन रहे थे, आज विपक्ष के लोग यहाँ नहीं है, अब जानबूझ के हैं नहीं है कि सच में यहाँ आना नहीं चाहते थे या क्या बात थी तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन लोगों का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि हंगामा क्रिएट करना, जनता के सवाल को ना उठाना, अपना एजेंडा जो है लागू करना चाहते हैं। और उनका एजेंडा क्या है महोदय, केवल और केवल अफवाह फैलाना, रूमर फैलाना। कुछ दिनों के लिए हम बाहर चले गए 10 दिनों के लिए, और कुछ बीजेपी मानसिकता की जो गोदी मीडिया है और कुछ इनके छिटपुटिया नेता हैं, इस प्रकार से रूमर फैलाया गया कि लगा कि अब सरकार गई। बताइए 24 को हम गए दिल्ली, 23 को महोदय ऐतिहासिक बैठक हुई विपक्षी दलों की, इतनी बड़ी बैठक हुई। अरे हमारा तो ठीक है, हम लोग तो देश का भी लालू जी नीतीश जी ठीक कर दिए, ये तो बिहार ने कदम उठाया, देश के लोगों को भी जोड़ने लगे और इतने खुशी खुशी हम गए बाहर, और यहाँ आए तो न्यूज देख रहे कि फलना टूटेगी, जदयू टूटेगा, कांग्रेस टूटेगा, भाजपा जो है सब भाजपा की सरकार आएगी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। इतना बेचैनी, इतना डर, और लोग कुछ लोग हो सकता है चिंतित हो, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई ये खबर सुनकर के, क्योंकि हमें पता था ये अफवाह फैलाएंगे, इसलिए अफवाह फैलाएंगे क्योंकि ये 24 से डरे हैं और बिहार से डरे हैं, लालू जी और नीतीश जी से डरे हुए हैं, इसलिए हमें खुशी हुई। ये डर का आप कह सकते हैं कि लक्षण दिखा, कितना भारी डर इन लोगों के मन में है। और बताइए हम पे तो महोदय कोई पहला चार्जशीट नहीं है ना, अंतिम चार्जशीट हम बता दे रहे, अंतिम भी नहीं है। खैर इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना है, हमको पता है हम क्या है महोदय, मेरा प्रतिशोध और प्रतिकार किसी से नहीं बल्कि स्वयं से है, इसलिए मैं यहाँ हूं। और हमको ये भाजपा वाले लोग, सांप्रदायिक शक्तियां जो जहर फैलाने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेज की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने वाले लोग, ये अंग्रेजों के चमचों को हमको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, इनसे कौन डरेगा भाई, इनसे कोई डरता है? सबसे बड़ा डरपोक लोग तो यही लोग। अभी बैठक शुरू नहीं हुई कि क्या क्या अफवाह फैलाने लगे, कितना बार बिहार दौरा करने लग गए इनके नेता, ये भी दौरा कर रहे हैं, इनका सामान भी आ रहा है 24 के लिए, इनका सामान सबको पता है, ज्यादा खुल के बोलने की जरूरत क्या, होशियार को इशारा ही काफी है, हम लोग सब लोग समझते हैं। तो महोदय हम लोगों का जो गोल है, देश की एकता, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की भाईचारा, देश में मुद्दे की बात हो ना कि मोदी की बात हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ ये लोग नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है,
किस चीज की बात कर रहे हैं? 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पे वहां कितने साल बाद लोग रोड पे गए होंगे, हम ही लोग एजेंडे पे। लेकिन इन लोगों से पूछो कि देश में कौन सा ऐसा राज्य जो एक साथ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन देने का काम किया है सरकारी नौकरी में, यह बिहार है। इसके अलावा और कौन सा राज्य? और हम आपको सदन को निश्चित करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन सरकार समय पर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देगी और रोजगार भी 10 लाख देगी। इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद और भी, अभी तो 3 लाख से ज्यादा निकला है, इसके बाद और लाखों में पब्लिक हेल्थ कार्डर हम लोग स्वास्थ्य विभाग में ला रहे हैं, उसमें लाखों में नौकरियां निकलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम इतना साल सत्ता में लोग रहे, आज कितना साल होगा किसी को याद है बिहार भाजपा के लोग सड़क पर कब आंदोलन किए होंगे, कब उतरे होंगे? केवल बकैती करते हैं लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने, लेकिन जहां नौकरी दी जा रही है वहीं आंदोलन कर रहे हैं। इनको तो सही मायने में अगर आंदोलन करना चाहिए तो बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल बढ़ा कि नहीं? गैस की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? टमाटर हर चीज का भाव बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो उस समय महंगाई डाइन लगती थी, अब तो महबूबा भजाई लगती है। अजीब बात है महोदय, बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है कि नहीं इस देश में? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर चीज प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है महोदय। लोगों का रोजगार देना तो छोड़िए, रोजगार भी छीना जा रहा है, नौकरी भी छीनी जा रही है। यह है इनकी असलियत। और हम लोगों को क्या क्या बोलते? भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट। अभी लोग आए नहीं तो इतना इन लोगों का चिट्ठा हम खोलते हैं, फिर भी लाए तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों में से कोई भूल गए होंगे तो याद दिला देते। और इसी मंच के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं उनको भी याद दिला देना चाहते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं महोदय, इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे, हम लोग जेपी जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अनुयायी लोग हैं। ये लोग क्या नारा देता है भाई परिवारवाद का? तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए, ना दबाओ पाओ, ना दबाओ पाओ से घास के तिनकों को अदना समझकर उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। तो महोदय ये लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। लेकिन एक बार हम विमान से सफर कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हमको बोले, राजा का दिल बड़ा होना चाहिए, कान जो है हाथी जैसा होना चाहिए, मुंह जो है चूहे जैसा होना चाहिए। लेकिन वो अपना प्रकट कर रहे थे तो कह रहे थे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राजा का खाली टेलीप्रॉम्प्टर है, बड़ा और कुछ नहीं है।